किसान भाइयों, राम राम। आज भाइयों, मैं सामली एजेंसी पर हूँ। ये आप लोकेशन देख सकते हो, ये है जिनाना रोड, नहर के पास में बिल्कुल। ये आई सर की एजेंसी है, ये आप देख भी सकते हो। इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ। एक नई सीरीज आई है आई सर की, 548। ये पूरा 50 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है। और ये फ्रंट से आप इसको देख सकते हो, इसका लुक बहुत ही प्यारा दिया है, मतलब डिसेंट लुक है जिसको आप बोल सकते देख सकते हैं। और भाइयों, इसके अंदर काफ़ी पहले से चेंज कर दिया कंपनी ने। पहले जो ट्रैक्टर इनके आते थे, पहले का आपको मैं दिखा दूँ, 485 ये खड़ा हुआ है। ये लुक है 90%, मतलब जितने किसान हैं हमारे यहाँ पर नियर बाई शामली क्षेत्र के अंदर, तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर यही मिलेगा आपको, इस लुक में ही मिलता है। और ये इसकी मतलब पुरानी ट्रेंडिंग बैजिंग के साथ में ये ट्रैक्टर यहाँ पर पहले से आता है। बट इन्होंने जो एक नया ट्रैक्टर निकाला है वो है 548। फ्रंट में वेट दिया हुआ है, 5-स्टार रेटिंग के साथ में है। 5-स्टार रेटिंग मतलब इसकी सीरीज है ये 548। पूरी 50 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है भाई। पावर स्टेयरिंग के ऊपर बैजिंग दी हुई है, आप ये देख सकते हो। इसके साथ में ये आपका इसकी ड्यूल क्लस्टर के साथ में है। और जो इन्होंने ये 5-स्टार निकाला है, ये आपका ये लोगो दिया हुआ है, सेलिब्रेटिंग 60 ईयर ऑफ द फार्मवुड। इसके साथ में सबसे खास बात आपको बता दूं, मैं फ्रंट से इसकी बात करता हूं। ये भाइयों, इसका ये इंजन के अंदर बोस का, इसका ये आप देख भी सकते हो, बोस का इनलाइन पंप है। और इन्होंने फ्रंट में ही जो फ्रंट बैजिंग कर दी है, ये ट्रैक्टर को और ज़्यादा डिसेंट लुक दे देती है ट्रैक्टर के साथ में। फ्रंट में जो बैजिंग है, ये पूरा ग्रिल के साथ में कर दिया है इसको। ये ग्रिल है पूरी लगी हुई फ्रंट पे। और फ्रंट पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी बहुत ही कम कंपनी है जो इतना हैवी बम्पर लगा के देती है आपको। 60 से 70 किलो के आसपास की वेट का ये पूरा बम्पर दिया हुआ है इसके साथ में फ्रंट पे। और अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टार्टिंग से टायर के साथ में। टायर दिए हुए हैं भाइयों फ्रंट के 750/16 के। पहले आते थे मतलब 45 से 50 हॉर्सपावर में 650/16 के टायर थे। अब ये 750/16 करते हैं। 750/16 के डालते ही ट्रैक्टर के अंदर टायर तो ट्रैक्टर का जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ के सेल्स मैनेजर हैं उन्होंने जो बताया, ये मैंने काफ़ी ट्रैक्टर देखे हैं उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है आपका पावर स्टीयरिंग का, ये इन्होंने ऊपर कर दिया है। जिससे प्रॉब्लम क्या आती थी कि फ्रंट में ये पूरा नीचे होता था, ये आप देख सकते हो, ये इससे नीचे पूरा पार्ट था। ये कहीं पे भी अड़ने की दिक प्रॉब्लम और उससे कई बार मतलब टूट भी जाती थी चीज़, तो इन्होंने इसको ऊपर कर दिया इसको। ये बहुत ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात भाइयों, इन्होंने इसका साइलेंसर भी चेंज कर दिया है। साइलेंसर की आप पूरी ये आप देख सकते हो, ओवरव्यू है साइलेंसर के साथ में। ये अपना जालीदार पूरा साइलेंसर है जिससे कि थोड़ी सी आवाज़ भी साइलेंट हो गई है ट्रैक्टर की। और दूसरी सबसे बड़ा चेंज जो है, ये भाइयों पूरे साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में आता है। इसकी जो सीट है पूरी एडजस्टेबल सीट है, ये आप देख सकते हो, ये पूरी एडजस्टेबल सीट है इसकी। पावर स्टीयरिंग एक बार ऊपर से आपको दिखा दूं, ट्रैक्टर का ये ओवरव्यू आता है भाइयों, बहुत ही प्यारा ओवरव्यू है। आप ये मान लो जैसे एक गाड़ी की हम चलाते हैं ना, ये वो वाला ओवरव्यू है। ये आप देख सकते हो पावर स्टीयरिंग है, बहुत ही छोटा सा और चलाने में बहुत ही कंफर्ट है। साइड शिफ्ट गियर होने के साथ में बीच में पूरा जो आपका गियर लीवर आते थे यहाँ पर, वो पूरा खाली है। प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया हो गया है पहले से। और ये रेस है, ये इसका भाई पीटीओ का लीवर है, ये आप देख सकते हो पीटीओ लीवर। आपको नीचे से एक बार दिखा देता हूँ, ट्रैक्टर के ऊपर से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है अभी, ये आप देख सकते हो, ये है इसका पीटीओ लीवर। इसके अंदर भाई हाई लो मीडियम तीनों में चलता है। और सबसे जो बढ़िया एक चेंज और कर दिया है कंपनी ने, इन्होंने मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट भी दे दिया है, ये आप देख सकते हो। जैसे महिंद्रा में आता था, ये अब इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। महिंद्रा में क्या है कि आपको चार्जर लगाना पड़ेगा, बट इसके अंदर आपको चार्जर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधी आप अपनी USB लगाओ अपने फ़ोन की, जो भी आप फ़ोन यूज करते हैं, और सीधा ये आपका फ़ोन चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। कुछ पीछे से ऐसा लुक, ट्रैक्टर का लुक पीछे से ये पूरा एडजस्टेबल हिच है। ये आपका
टोबलिंक और ये भाई ट्रोवाल फट्टी। भाई प्राइस के लिए मैंने बात की थी, प्राइस के लिए मैनेजर साहब बोलते हैं कि एक बार कांटेक्ट कर ले शामली एजेंसी पे। भाई ये ट्रैक्टर बहुत दमदार है और सबसे बढ़िया चीज़ है कि कंपनी में कोई भी आज तक शिकायत नहीं है किसी चीज़ से भी। ये वाली ये आप देख सकते हो, लाइट भी इतनी अच्छी दी हुई है कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो आपको भाइयों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाइयों। ट्रैक्टर की और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अभी 3-4 दिन के अंदर काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आईसर भी हो गया, कुबोटा, महिंद्रा, इन सब की वीडियो आपको 3-4 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगी। भाइयों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम किसान भाइयों।